वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ माँ की। आज मैं आपको एक सत्य देशभक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ, बाबा हरभजन सिंह की कहानी। ये भारतीय सेना के एक जवान बाबा हरभजन सिंह की कहानी है, जिनकी 1986 में मृत्यु हो गई थी, लेकिन माना जाता है कि उनका आत्मा अभी भी सीमा पर अपने भाइयों की रक्षा कर रहा है। 1941 में पंजाब के एक गाँव में जन्मे हरभजन सिंह ने 1956 में खुद को भारतीय सेना में शामिल किया। 1965 में उनकी एक कमीशन दिया गया और 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ सेवा के लिए तैनात किया गया। ये 1967 में नाथोला दर्रे के पास था, जब सिंह एक ग्लेशियर में फिसलने और डूबने के बाद अपने अंत से मिले। 3 दिन के बाद उनका शव बरामद किया गया और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये उसका अपना आत्मा था जिसके खोज दल को उसके अपने मृत शरीर तक पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के तुरंत बाद वह अपने एक दोस्त के सपने में दिखाई दिए और उसके याद में एक मंदिर बनाने के लिए कहा। इसके बाद सिंह का समृद्ध एक मंदिर बनाया गया। आज भी नाथूनाल पोस्ट पर तैनात जवानों को दृढ़ विश्वास है कि सिंह का आत्मा उसकी रक्षा करता है। सैनिकों का ये भी मानना है कि उनका आत्मा उसकी किसी भी अनशन हमले के बारे में कम से कम 3 दिन पहले ही आगाह कर देता है। माना जाता है कि उनके मंदिर का पानी बीमार सैनिकों को ठीक करता है। सिंह के दरबार पर नंगे पांव सैनिक पहरा देते हैं और उनकी वर्दी और जूते को दैनिक आधार पर सफाई की जाती है। उनके आत्मा रात में शिविर में आना और यहाँ तक कि निगरानी के दौरान सोने वाले सैनिकों को थप्पड़ मार के जगाने की कहानियाँ व्यापक रूप से लोकप्रिय और बहुत नियमित है। ऐसा देशभक्त को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।